जो ये आपको कहता है कि मोदी जी को ही जिताएंगे चाहे आधी रोटी खाएंगे, ऐसा कौन सा एक काम? पहले तो ये कहना है कि हम जो कुछ भगवान के लिए, हमको लग रहा है कि भगवान ही अवतार लिए है, चौथा अवतार लिए है ये नारायण, नारायण ही चौथा अवतार लिए, मोदी जी अवतार लिए, मोदी योगी दोनों लोग, मोदी योगी जी अवतार लिए, अवतार लिए मोदी जी और योगी जी अवतार लिए। जी जी मैं आ रहा हूँ, अब आप चुपचाप खड़े रहेंगे। जी जी मैं प्रतीक जी, हाँ जी प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने इन्होंने देश की यह स्थिति करती तुष्टिकरण की राजनीति करके कि आज ये दलितों पिछड़ों का जो आरक्षण है मुसलमानों को देना चाहते हैं, इनके मैनिफेस्टो में है, ये राम मंदिर नहीं चाहते, ये पाकिस्तान पाकिस्तान की आलोचना नहीं करना चाहते, इन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया। आज आज एक मिनट, जम्मू कश्मीर की हालत देख रहे हैं, जहाँ 15% वोट पड़ता था 55% वोट पड़ रहा है, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, गुंडे बदमाश, आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, कोई भी एक माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि आज प्रतीक जी गंभीर सवाल है, यह चुनाव बहुत गंभीर है भारत का 2024 का, आज इस चुनाव में ये इंडी गठबंधन ही नहीं पाकिस्तान चाइना भी आज लगे हुए हैं। विजय जी एक सवाल कि लोगों ने कहा कि हिंदू मुसलमान इस चुनाव में सबसे ज्यादा आया, बार बार आया। देखिए हिंदू मुसलमान की जो बात उठ पड़ी है उसका कारण ये है कि नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर इन कन्वीनियंट ट्रूथ को कहने से नहीं हिचकते। उन्होंने देखिए इशारा क्या किया, जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था या जो लेफ्ट का जो मैनिफेस्टो था जिसमें कि रिलीजियस बेसिस पर रिजर्वेशन देने की बात की गई थी, जाहिर आपको ध्यान होगा जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, जब संविधान सभा बैठी थी, धार्मिक आधार पर आरक्षण पर बकायदा डिबेट हुई थी और पूरी असेंबली ने डिबेट करके कहा था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसका आधार सिर्फ सामाजिक और आर्थिक हो सकता है। जाहिर है ये चीजें जो है, अगर मान लीजिए एक वर्ग को आप इस आधार पर देने की कोशिश को आप अपना वोट बैंक मानते हैं, या ऐसी चीजें जो कि खुलकर कोई बोलता नहीं था। आप ध्यान रखें कि नरेंद्र मोदी भी हिंदू मुसलमान, अगर उनका रिकॉर्ड देखें खासतौर पर जब से वो गवर्नेंस में है 2001 से, कभी उन्होंने बहुत खुलकर नहीं किया, लेकिन उनका ये कहना है कि ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, देश की जो राजनीति नहीं संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका ये वायलेशन है और ये कहना पड़ेगा, इसलिए चूंकि उन्होंने खुलकर कहा इसलिए ये बात हो रही है कि हिंदू मुसलमान। मैं आज आपको शाम को जब आप वाराणसी के घाट पर मौजूद हो तो दृश्य दिखाना चाहिए, पूरा दृश्य दिखाना चाहिए, और मैं आपको सामने दृश्य भी दिखाना चाहता हूँ। तमाम सारे चैनल्स, तमाम सारे दर्शक, तमाम सारे घाट पर वो पर्यटक, श्रद्धालु, पर्यटक शब्द ना कह के श्रद्धालु, श्रद्धा से जुड़े हुए लोग, तमाम सारे लोग जो आज एक घाट की, जिसे कहते ना घाट की संस्कृति, वो जीता हुआ वाराणसी आप सामने उस दृश्य को दे रहे हैं। मैं इन दृश्यों के साथ आज